भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कही गई ऐसी 18 ज्ञान की बातें जो आपका नजरिया बदल देंगी। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसकी पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जितने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताती है। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, अहंकार, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसीलिए इसका एक और नाम है घोर कलयुग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं, उसे सद्गुरु अवश्य मिलता है। सद्गुरु से मतलब अच्छे गुरु से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय में बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोग में क्षणिक अर्थात कुछ पल के लिए ही सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ अर्थात लालच और मोह माया अर्थात किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख करके ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव सभी के साथ प्रेम भाव से ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जी हाँ, कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।